तो यार बहुत बहुत वेलकम है तुम्हारा इस मिहिर गलत के नए एपिसोड में। भाई पहले तो मैं तुम्हें अपने आप को दिखाऊंगा कि भाई उसका तुम सिर्फ गाड़ी गाड़ी देखना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ गाड़ी देखना बनोगा। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये जो गाड़ी ना मुझे रैंडमली दिखी और देखते ही मैंने अपने भैया को मैंने पहले रोक लिया कि भैया यार रुको, पहले मुझे बताओ ये गाड़ी कौन सी है। तो भाई आपका नाम क्या है फिर? मेरा नाम दिलीप है। अच्छा, ये गाड़ी बजाज कंपनी की क्यूट नाम से गाड़ी आती है, बजाज क्यूट। क्योंकि लोग ना काफी मतलब कंफ्यूज होने वाले रेवा से। रेवा से? ये रेवा नहीं। अच्छा, ये रेवा नहीं? रेवा नहीं। तो ये गाड़ी अपनी पेट्रोल है? हाँ जी, ये पेट्रोल वर्जन है। अच्छा, इसमें दो वर्जन आते हैं, एक सीएनजी और एक पेट्रोल। अच्छा, जो सीएनजी होती है उसमें पेट्रोल नहीं डलता। ओके, सिर्फ सीएनजी से ही चलती है। सिर्फ सीएनजी? ये पेट्रोल है, इसमें सीएनजी ऑप्शन आई नहीं है, सिर्फ पेट्रोल ही। तो ये जरा बताओ ना फिर, ये गाड़ी कब लॉन्च हुई थी और क्यों इतने कम लोगों के पास है? ये एक्चुअली में दिल्ली के अंदर रेयर पीस है। मुझे लगता है अकेला आपके पास ही होगी। हाँ, मैंने भी मतलब हो सकता है शायद हो। हाँ, शायद। लेकिन मैंने अभी तक सेकंड पीस नहीं देखा। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली 4 महीने से मेरे पास है। 4 महीने से अप्रोक्सीमेट। आपने कहाँ से ली इसको? ये मैं राजस्थान से सेकंड हैंड लाया था। राजस्थान से? राजस्थान गंगानगर। अच्छा, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, भाई तुम देख लो आरजे प्रॉपर नंबर है, ठीक है? तो राजस्थान से आपने प्रॉपर इस गाड़ी को लिया है? हमारे जान पहचान में था, उससे हमने लिया। अच्छा, तो ये देख लो अंदर टाइगर है, ठीक है? इनका पेट डॉग है और एक काफी ज्यादा मतलब फुल खुराफाती है, ठीक है? मैं इसको जूम करूंगा, आगे ले जाऊंगा। ये देखो कितना क्यूट है, जर्मन शेफर्ड। तो आप मुझे बता रहे थे कि ये गाड़ी आपने स्पेशली इसके कंफर्ट के लिए ली है? हाँ, एक बार हम वैसे कहीं वहाँ किसी से रिश्ते में मतलब जान पहचान में मिलने गए थे, वहाँ पर हमने गाड़ी देखी, तो ये गाड़ी है डॉग जैसे कि अक्सर खराब कर देता है। हाँ, सीटें वगैरह फाड़ देता है, हमारी पहले भी गाड़ी खराब करी, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि इसके हिसाब से हमें पसंद आई, एक छोटी सी दो जनों के लिए इसके लिए ले ली है। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, तुम देख लो भाई तिहाड़ जेल अपने बगल में, ठीक है? और यहाँ पे तिहाड़ जेल के दरना ये प्रॉपर पार्क है, ठीक है? तो आप मतलब इसको सुसुपोटी इसकी वॉकिंग के लिए इसको लेके आते हो यहाँ पे? सुबह शाम यहाँ लेकर आते हैं। अच्छा, तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ स्पेशली इसके लिए ही आपने, टाइगर के लिए आपने ये गाड़ी ली है? क्या बात है यार, ये बोलते हैं पेट लवर। देख लो भाई, ढकोसले वाला पेट लवर नहीं, एक्चुअल पेट लवर है अंकल है अपने, अंकल ही भैया है अपने। कोई बात नहीं ना, चलिए। तो अच्छा, बजाज की क्यूटी, क्यूट। देखो इस गाड़ी का नाम तो वैसे है QUTE, पर मैं बोलूंगा क्यूटी, क्योंकि ये क्यूटी है। हाँ, कितनी क्यूटी लग रही है गाड़ी भाई, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कार में से गिनती हो रही है। जरा मुझे आप उसके बारे में बताएं। देखिए, पूरी नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कार मानी जाती है। अच्छा, और इसमें ये गाड़ी की खासियत है कि ये बर्फ में, पानी में, रेत में फंसती नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, अगर आप इसकी कहीं पे इसका वो यूट्यूब में इसकी वीडियोस देखेंगे, हाँ, तो जहाँ पे टू व्हीलर चलते हैं मतलब कीचड़ वगैरह में, हाँ, वहाँ पर भी ये गाड़ी चल रही है, वहाँ पर भी सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है ये। और ये इंडिया के बाहर भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। अच्छा। हाँ जी, कोई आप यूट्यूब देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैं जो इस गाड़ी को ना अच्छे से सामने से पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तुम देख लो कुछ इसका आगे से ना लुक ऐसा है, ठीक है? और मैं सर जितना समझ पा रहा हूँ ना, धीरज मैंने तेरे को बताया भी था, एक हमने साउथ में गाड़ी देखी थी पिंक कलर की, याद है? मैं तेरे को दिखा रहा था कि साउथ के बंदे ने मॉडिफाई कर रखी है। ये जो गाड़ी है ना साउथ में मतलब लोगों का फिर भी है, ये जो साउथ में मतलब जैसे चेन्नई में, हाँ, केरला साइड पे, वहाँ पर जाता है, लेकिन अपने नॉर्थ साइड मुझे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैंने भी अभी मतलब 4 महीने से मैंने कोई नहीं देखी, वो तो मैं उसके बारे में कुछ कह रहा हूँ। तो क्या मामला है सर, पब्लिक को पूछना होगा कि यार ये रोड लीगल है? हाँ, लीगल ही है, लीगल ही है ये। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है, बजाज कंपनी की गाड़ी है। कब लॉन्च हुई थी ये फिर? ये मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे बोलूं, क्योंकि मैंने तो अभी 4 महीने पहले करी थी। और कागज वागज पूरे हैं आपके पास? सब कुछ ओके, रिपोर्ट है, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, आरसी, सब कुछ है। तो सब कुछ है, सब कुछ है। तो अगर हम गाड़ी की थोड़ी डिटेल में बात करें, मैं देख पा रहा हूँ भाई सामने तुम गाड़ी की ये दो आंखें देख लो, ठीक है? कितनी बेहतरीन आंखें लग रही है। अब मेरे सामने यहाँ पे भाई वी कार हब अपने भाई है देशवाल भाई, देशवाल भाई मुझे बताएंगे, देशवाल भाई आपको तो गाड़ियों की नॉलेज है ना, तो आप जरा मुझे बताएं यार ये हेडलाइट वगैरह आपने इससे पहले कभी देखी है ऐसे वाली, या आपके शॉप में मिल जाती है इनकी एसेसरीज, या बहुत रेयर है? यह गाड़ी असल में ना बहुत रेयर है और मैंने खुद पहली बार देखी है जनकपुरी में होने के बाद। हाँ, तो मतलब अंकल जी चलाते हैं तो यहीं आते होंगे, पार्क के लिए, डॉग के लिए रखी है। हाँ हाँ, तो बहुत मैंने भी पहली बार देखी है, पर थोड़ा यूनिक है। और अंकल बता रहे हैं कि 200 सीसी का इंजन है। अरे हाँ, ये 216 सीसी का इंजन, 216 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर। तो ये तो मुझे लगता नहीं भागती होगी, भागने के लिए बनी भी नहीं मेरे ख्याल से। इसकी मीटर के अंदर स्पीड 100 है। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 80-85 तक चली जाती है। अच्छा, 80 तक चली जाती है बिना मतलब। कल तो एवरेज बहुत अच्छी बता रहे हैं इसकी। अरे भाई आप एवरेज बताएं। इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है जो कंपनी बताती है वो 35 की बताती है। अच्छा, लेकिन ये 35 कम है। अगर आप इसको नॉर्मल 50-60 में चलाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 45 की एवरेज देती है। 45 की एवरेज दे रही है पेट्रोल में, 45 की एवरेज देती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपके सामने टेस्ट ड्राइव देते सकता हूँ। अरे भाई हम जरूर इसके टेस्ट ड्राइव लेंगे अभी, ठीक है? लेकिन मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, मैं ना इससे पहले भाई सबसे बेहतरीन एवरेज पता किससे सुना है? वॉल्वो की गाड़ी नहीं होती,
XC90, XC60 वो देती है 45-50 और अंकल वो आती है 1 करोड़ से ऊपर की। हाँ, वो बहुत महंगी आती है और ये अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के अंदर अंदर है। 4 लाख के अंदर अंदर गाड़ी आपके लिए, इसकी मुझे मालूम नहीं है। और 45 की एवरेज दे रही है ये। मैं इसे हाईवे पे तो अंकल बता रहे हैं कि 50 भी निकाली है। मैंने 48-49 इसकी एवरेज खुद ने निकाली है अंकल। और ये लोकल के अंदर जैसे आदमी थोड़ा जाम होता है कुछ होता है, ये 35-36-37 की एवरेज देती है। आपका नाम क्या? मेरा नाम दिलीप है। दिलीप सर आप बड़े समझदार लग रहे हो मुझे। थैंक यू सर। क्योंकि आपने इतनी दिल्ली में ऑफ कोर्स भाई एवरेज चाहिए ना गाड़ी में, और क्या यार क्या कर लोगे ये बाकी गाड़ी लेके, इतनी बेहतरीन एवरेज वाली गाड़ी आप तो मुझे लगता है टाइगर को लेके कहीं भी जा सकते हैं। हाँ। आपने भी एक राउंड व्यू आ रहा था पहाड़ में, हिल स्टेशन पे, पहाड़ पे अप्रोक्सीमेटली एक हिल स्टेशन है हरियाणा में पंचकूला के साथ, मोरनी हिल्स। अच्छा, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स जो कि 6,500-6,000 फीट की हाइट पे है। अच्छा, वहाँ पर भी इसने गाड़ी ने कोई मना नहीं किया कि गाड़ी मैं पहाड़ पे नहीं चलूंगी या गाड़ी में कोई बैग हुआ कुछ हुआ, स्ट्रेट हाइट पर भी। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से होगा अप्रोक्सीमेटली 260-265। और कितने घंटे पहुँचे आप? ये अप्रोक्सीमेटली में हम 5.5 घंटे में पहुंच जाते हैं इस गाड़ी में। अच्छा, इस गाड़ी में 5.5 घंटे और 6 मान लो, इससे ज्यादा नहीं लगा। कोई ऐसी दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाती है। और पेट्रोल भी मुझे लगता है कितना ही लगा होगा, 5-6 लीटर? नहीं, इसकी अप्रोक्सीमेटली 8 लीटर के आसपास की टंकी है। अच्छा, 8 लीटर की है। और अप्रोक्सीमेटली इसमें 1300-1400 का पेट्रोल लगता है आने जाने में। अच्छा, आने जाने में? आने जाने में। अच्छा, मैक्सिमम आप कह सकते हैं 1500 भी सही में, 1500 का नहीं लगता, 1500 माइनस लगता है क्योंकि हिल आ जाता है तो उसमें पेट्रोल थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ, ये तो है, थोड़ा गाड़ी को चढ़ाना होता है तो वो वाला सीन। गाड़ी सेकंड गियर में चढ़ती है या थर्ड गियर में चढ़ती है? आपको मैंने इस गाड़ी को मॉडिफाई कराने का, वैसे मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ, इस गाड़ी को मॉडिफिकेशन इसमें हमने करी है लेकिन अभी करी नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। एक तो इसके यहाँ पर वो लगते हैं वो जो रहते हैं रेन वाइजर, और वो लगते हैं, और ये छत पे इसके एक वो लगते हैं रूफ रेल्स, और पीछे इस पे स्टेपनी का एक वो कवर है टायर का जो होता है, वो हमने बनवा लिया है, अभी लगवाया नहीं है। अच्छा, सफारी वगैरह में पहले आता था। बनवा लिया, लगाया नहीं है। और उसके बाद तो ये छोटी एसयूवी लगेगी, छोटी एसयूवी लगेगी। और इसके फ्रंट का गार्ड हमने बनवा लिया है। अच्छा, फाइबर का, क्योंकि स्टील के अलाउड नहीं, अलाउड नहीं, वो हमने फाइबर का बनवा लिया है, वो लग जाएगा थोड़े दिनों में। तो मतलब बहुत कुछ होने वाला है इस गाड़ी में। जो रिम है वो भी अलॉय आ गए हैं। अच्छा, लगाए नहीं है, तैयार हो रहे हैं। ओके, तो ये रिम है, ये तो कंपनी फिटेड है, ये कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड बेसिकली अलॉय प्लस रिमी है। हाँ, ये रिम है। आज के डेट में जैसे स्टार्टिंग में अभी रिसेंटली टाटा ने निकाला टियागो ने, हाँ, अगर आप देखोगे तो वो अलॉय नहीं है, वो रिम ही है। अच्छा, बट लुक अलॉय की तरह ही देते हैं, अलॉय की तरह ये लुक देते हैं। बट हाँ, पहली बात के नैनो में भी 3 नट वाले टायर आते हैं। अच्छा, इसमें 4 नट वाले हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये जब कोई ट्रक वगैरह साइड से निकलता है गाड़ी ऐसे ऐसे हिल जाती है। हाँ। ये नहीं हिलती कैसे स्पीड पे कोई बस या ट्रक निकल जाएगा। हाँ। ये ऐसे ऐसे नहीं हिलती, ये काम की नहीं है। ये हमारे साथ हुआ है कि जैसे एकदम से हमें डर लगता है कि छोटी गाड़ी है, ट्रक निकल गया, लेकिन ये गाड़ी ऐसे ऐसे हिलती नहीं है। अच्छा, तो एक बार आप टाइगर को थोड़ा बाहर कर सकते हैं, मैं गाड़ी को थोड़ा अंदर से लुक दिखाना चाहता हूँ। तो यार मैं तुम्हें इस गाड़ी को ना अंदर से लुक दिखाता हूँ। आओ देशल भाई, जरा हम साथ में डिस्कस करते हैं। तो तुम देखो भाई एक बार जरा अंदर से इसका लुक, ठीक है? और इसका मुझे लग रहा है भाई चेसी कितना अलग होगा, मैं सही में से देख रहा हूँ। मतलब ये देख रहे हो बीच में कोई डिवीजन नहीं है। हाँ, बीच में डिवीजन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। ओके, कोई डिवीजन नहीं है, सिंगल फर्श है। सिंगल फर्श, हाँ ये अच्छा टर्म लिया आपने, सिंगल फर्श, सिंगल फर्श। सच में यार, तो ये सीट वगैरह पीछे आती है, ये ड्राइवर की हो जाती है। और इसमें सीट उठाओ, नीचे स्पेस है, सीट उठाओ ऊपर से उठ जाएगा। अच्छा, वो वाला भी उठ जाएगा। अच्छा, इसको पीछे कैसे करना होगा? आगे लीवर अपर ली साइड पे, ये वाला? हाँ, ये उसको ऊपर की तरफ पीछे हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो भाई देखो, अच्छा मैं तो एक चीज देख पा रहा हूँ भाई, बैटरी की प्रॉब्लम है, बैठने के बाद प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे मैं बैठ ही गया यार। हाँ, कोई इशू नहीं है, आ गया मैं, तुम देख लो यार, अपन बढ़िया बैठ गए इसमें। और अच्छा ये देख लो भाई, इस गाड़ी में मुझे हर पूरी जगह ना ब्रांडिंग दिख नहीं रही थी कहीं भी, और यहाँ पे लिखा है क्यूटी। तुम देख लो बजाज के, मतलब यहाँ प्रॉपर ब्रांडिंग दे रखी है, ठीक है? और अगर हम बात करें, अच्छा 4 लाख में आपने ली है? मैंने तो सस्ते में ली है। कितने मिली आपने? प्लीज, उसका मैं नहीं बता। अच्छा, उसका नहीं, तो मतलब 4 लाख की आती थी? 4 लाख के माइनस में है। अच्छा, 4 लाख के माइनस में, कम में। ओके, तो मतलब 4 लाख से हल्की नीचे में गाड़ी आ जाती है एक्चुअल रेट इसका। और अगर मैं देखूं भाई, ये देख लो भाई, मतलब इसका ये गियर, ये गियर बड़े फ्रंट 5 गियर है, एक रिवर्स। अच्छा, फ्रंट में 5 है, इसमें भी 5 गियर आ रहे हैं, मतलब बहुत हैरानी की बात है वैसे। सही में यार, सेंट्रल गियर है, मतलब जैसे टू व्हीलर्स में होते हैं ना 1 2 3 4, हां हां, फिर 4 3 2 1, हां हां, ये सेम सिस्टम।
अच्छा, इसमें वो कार वाला सिस्टम नहीं है वो कि ऐसे ऐसे करके डालो। अच्छा, इसमें सीधा ऐसे होता है कि 1 2 3 4 5 ऊपर। और मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, जैसे मैं धीरज भाई को भी दिखाना चाहूंगा, धीरज जब देख रहे हैं इसका गियर कहाँ पे है? ये ऑटोमेटिक टाइप ही है कि मतलब ऊपर जाओ तो ऊपर हो जाए, नीचे हाँ सही है, मतलब वो चीज करने का है। ऊपर से गियर भी देखो, डैशबोर्ड में गियर लगा रखा है भाई, ये काफी यूनिक लग रहा है मुझे। उधर तक चला जाएगा, आप आराम से बैठ सकते हो। ये हाँ। यही वाली बात सच में यार, मतलब मैं अगर सिंगल भी चलाऊं इस गाड़ी को आराम से, मैं ऐसे चला सकता हूँ। हाँ भाई, हेडरूम हाइट होने के बाद हेडरूम में अभी भी जगह है। ये देख लो भाई, हाइट है अपनी अच्छी खासी 6'2-3" के आसपास, और ये देख लो अभी भी अपने को ऊपर का जो हेडरूम बोलते हैं अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और है वो भी आप इसमें बता सकते हैं, इसमें जो ये पिलर्स हैं साइड पे काला काला लगा हुआ, ये हाँ हाँ, ये इसमें फ्रंट से हवा इसके अंदर आती है, आगे जो फ्रंट बम्पर है उसमें से हवा आती है और निकलती यहाँ से है। उतने ही ये इसमें बारिश में फॉग नहीं आती हाँ? और नॉर्मल जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सीधा हवा हमारे ऊपर आती है। ये दोनों पॉइंट इसलिए बने हुए हैं। अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा इंजीनियरिंग लगा रखी है। ये आगे से हवा आती है हाँ? नेचुरल एयर है ना, नेचुरल एयर आ रही है। ओके, कितनी स्पीड में चलेगी उतनी तेज हवा आएगी, और हम इसको बंद भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, मूव भी कर सकते हैं। अरे भाई, अच्छा तो इसमें एसी नहीं आता ना? एसी नहीं है, इसीलिए मतलब ऐसा दिमाग लगाया गया इसमें। और ये जो दरवाजे में दे रखे हैं पॉइंट्स नीचे, हाँ हाँ, ये भी हवा के हैं। कौन से वाले? ये दरवाजे में मोरी, ये हवा के और ये ऊपर देखिए दरवाजे में ऊपर। अच्छा, ये जो ऊपर दे रखे हैं, हाँ हाँ, ये भी हवा के। अरे भाई साहब यार, मुझे तो भाई ये कुछ बहुत ही यूनिक गाड़ी लगी थी भाई। आपके इतने साल के करियर में आपने कभी नहीं ना भाई, लिटरली यार, मतलब सच में बता रहा हूँ, किसी ने जिसने बनाई है इंजीनियर ने वो काफी दिमाग लगाया है हाँ। कि चलेगी गाड़ी यहाँ से हवा, ये वैन खुले छोड़ दिए हैं यहाँ से हवा, मतलब हाँ। गाड़ी में ऐसा फॉग जमने वाला कोई चांस ही नहीं है कि हवा पास हो रही है और वो भी नेचुरल, तो फॉग बनने का चांस ही नहीं है। वही तो भाई, लिटरली बजाज वालों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ भाई, क्या दिमाग लगाया भाई बंदू ने यार। ऊपर से मैं अगर तुम्हें यहाँ दिखा दूँ तो ये अपना, अच्छा ये देख लो छोटा सा यहाँ पे स्टीरियो आ रहा है, ठीक है, ये अपना डैशबोर्ड हो गया। 100 की इसमें मैक्सिमम स्पीड है और मतलब 80 तक चले आती है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देख लो यहाँ पे फैन है, पीछे की स्पेस कुछ इतनी है और ज़्यादा कुछ गाड़ी में है नहीं। एक बार ज़रा मैं इस गाड़ी को, 4 डोर है, सारे चारों दरवाजे खुलते हैं। अरे हाँ यार, ये भी भाई काफ़ी अहम बात है, बहुत मतलब वो है, हाँ हाँ, ये लॉक वाला सिस्टम है। ये मैंने अनलॉक कर दिया इसको, तो मैंने यूं ही घुमाया छोटी सी को, तो ये अनलॉक हो गई। ओ तेरी भाई यार, पहली बार अपन कुछ ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, आओ तो सच में थोड़ा सा टेम्पो वाला फील भी आता है चलाने में यार। भाई देखो यार, मतलब धीरज है भाई, एक बार मुझे अपने सामने दिखाओ भाई, पुलिस वाले सर भी एक बार जरा इनसे ही पूछते हैं, एक बार जरा इसको खोल ला जरा, ये एक ही साइड खोल, आप पीछे की तरफ से दिखा दो, सर कैसी लग रही है गाड़ी, गाड़ी कैसी लग रही है सर, गाड़ी कैसी लग रही है यार, मतलब पावर तो है भाई। आप आगे पब्लिक को दिखाओ, ये देखो भाई टर्निंग रेडियस का काफी सही है यार, ये तो खड़े खड़े घूम गई। हाँ यार ज्यादा, और थोड़ी नॉइज है मतलब, हाँ देखो दूसरा गियर लगेगा तो नॉइज कम हो जाएगी शायद से, क्लच दबा के नीचे नीचे नीचे, अच्छा हाँ ऊपर ऊपर, ठीक है हाँ हाँ सही, नॉइज थोड़ी कम हो गई हाँ, क्योंकि गियर पे खींच रहे हो 200 सीसी का इंजन है सिर्फ इसलिए। ये देखो भाई, बहुत मजा आ रहा है यार सच में भाई, मतलब दिल्ली में रहकर मुझे ऐसी यूनिक मॉडिफाइड भी नहीं यार, मतलब यूनिक गाड़ियों का अगर जायजा मिल रहा है तो भाई क्या ही बात है। मतलब मुझे लगता था कि मैं दिल्ली को शायद हल्के में ले रहा था भाई, मतलब दिल्ली में भी ऐसे बंदे हैं यार जो इतना फुल गलत मतलब अपना शौक रखते हैं भाई, सच में बिल्कुल लिटरली यार, मतलब मजा आ गया मेरे भाई यार। तुम लोग जरा मुझे कमेंट से बताओ कि तुम लोगों को यार अपनी ये बजाज की क्यूटी कैसी लग रही है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे इसको न्यूट्रल में डाल दिया है, कुछ नहीं करना, जैसे सर ने बताया सिक्वेंशियल था, ठीक है, इसको यहाँ से मैं क्लच दबा के मैंने इसको ऊपर किया, 1 ये 2 ये, फिर इसको और दबा के 3, ठीक है, अब 3 4 5 तक है इसमें, बाकी नीचे लेके आ गया मैं, तो ये 2 ये 1 यहाँ पे ये 0, मतलब न्यूट्रल हो गया। और इसका जो हैंड ब्रेक है वो भी यहाँ कोने में है, तो मैंने हैंड ब्रेक दबाया, गाड़ी अपनी बंद। तो जरा भाई तुम लोग मुझे बताना, अब देखो हमने वीडियो बना दिया, अब ये वीडियो जो है ना ये तुम्हारे हाथ में, अब मैं देखो चाहता हूँ कि ना इस वीडियो को तुम थोड़ा सा यार शेयर करके पूरे भारत तक पहुँचाओ, भारत भी क्या वर्ल्ड तक पहुँचाओ, दिखाओ यार देखो बजाज, बजाज का स्कूटर नहीं आता था पहले, बजाज वालों ने यार उसकी गाड़ी भी आ रही है यार, देख लो भाई मतलब मजा आ गया, सल्यूट। और 4 डोर
फोर डोर्स। हाँ यार ये काफी अहम बात है, फोर डोर्स प्रॉपर गाड़ी, ठीक है। तो चलो वीडियो पे एंड करते हैं भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार देना, चैनल पे नहीं हो भाई सब्सक्राइब कर देना। मेन क्या है यार, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, तुम जानते हो, कमेंट में बताना तुम लोगों की गाड़ी कैसी लगी, और साथ में हम वीडियो एंड करते हैं। तो यार मैं मिहिर हूं, तब से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग आउट। ऐसे खतरनाक तो भाई अपन डालते रहेंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना जिसको अपनी गाड़ी फीचर आनी हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो गुड बाय।